नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार हमारा चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, टॉयलेट क्लीनर बिजनेस ऐसा एक बिजनेस है जिसका डिमांड कभी कम नहीं होने वाला है। जैसे कि आप जानती है, पहले टॉयलेट कितना कम था हमारे देश में, अभी कितना ज्यादा हो चुका है। और इस तरह टॉयलेट क्लीनर का भी जो डिमांड है वो भी ज्यादा होते जा रहा है। अभी जितना है इससे ज्यादा अगले दिन में होने वाला है। और ये बिजनेस फ्रेंड ऐसा एक बिजनेस है जो आप घर में ही शुरू कर सकते हैं। इसका मैन्युफैक्चर घर पे ही कर सकते, बना सकते घर में, और फिर ये सेल करना भी बहुत ही आसान है। और आपको ए टू जेड जो चीज है, मतलब आपको बनाने के लिए जो चीज लगेगा वो बहुत ही आसानी से आपको मिल जाते। और इसमें फ्रेंड फायदा इतना ज्यादा है जो आप सोच भी नहीं सकते। मान लीजिए कोई टॉयलेट क्लीनर अगर आप बाजार में खरीदने जाते हैं तो 140 से 150 रुपए लीटर आपको मिलते, लेकिन ये बनाने में आपको खर्चा होता है सिर्फ 30 से 35 रुपए। तो आप सोच ही सकते कितना ज्यादा इसमें फायदा होते। तो आप अगर बिजनेस करना चाहते, छोटा से लेके बड़ा होना चाहते, आपका अंदर वो जज्बा है तो जरूर वीडियो देखे। अगर आप करना ही नहीं चाहते तो देखने का भी कोई फायदा नहीं है। तो फ्रेंड आप बताऊंगा आपको चार बातें। एक तो आप कैसे बना सकते, इसको ब्रांडिंग कैसे करें, सेल का किसके पास कर सकते, इसमें आप कितना फायदा कर सकते, कितना रुपया तक कमा सकते महीने में। तो फ्रेंड ए टू जेड आपको बताऊंगा, लेकिन उसका पहले एक बात है, अभी तक अगर हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लेना, और कोई भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबा देना। तो फ्रेंड पहले तो आपको बताते आप कैसे घर बैठ के ही बना सकते, चलिए शुरू करते। तो फ्रेंड आपको टॉयलेट क्लीनर बनाने के लिए जो जो सामान का जरूरत है वो देख लेना। ग्लैक्सोकोल पेस्ट 20 ग्राम, एक्टिव कमांड 40 ग्राम, भिगनर 1 ग्राम, ब्लू कलर 1 ग्राम, थिकनर 3 ग्राम एंड वाटर 30 ग्राम। तो फ्रेंड मैं मिक्स करके आपको बताते, पहले तो आप इधर से ले लेना। तो पहले आप इधर से ग्लैक्सोकोल पेस्ट ले लेना 20 ग्राम, फिर इसमें फ्रेंड 300 ग्राम तक पानी डालना। तो इधर में देख लेना जो मैं, तो फ्रेंड ये वेट कितना हो रहा है वो देखना बहुत ही जरूरी है, तो आप इधर में जरा ध्यान लगाना। तो आपको ये दोनों पेस्ट मिलके 320 ग्राम तक होना चाहिए। फिर उसका बाद में आपको जो चीज़ लेना पड़ेगा वो है फ्रेंड ड्राई विगनर। तो आपको तो पहले ही मैं लिस्ट बता दिया था, फिर भी आप देख लेना। फिर आपको अच्छा करके मिक्स करना। मिक्स करने के बाद फेना जैसे निकल आएगा, जैसे साबुन से जैसे फेना निकलते ऐसे निकलने लग जाएगा। तो उसके बाद अच्छा करके मिक्स करने के बाद आपको जो चीज़ लेना पड़ेगा फ्रेंड वो है कलर। आप ऑन कलर का लाइक कलर ले लेना, ब्लू कलर। ब्लू कलर लेते तो अच्छा रहते, दूसरा कोई भी कलर ले सकते आपका मोर जैसे। तो इधर में मिक्स करने के बाद जैसे कालापन जैसे आ जाएगा, उसके बाद फ्रेंड आप लेना पड़ेगा 40 ग्राम तक सर्फेक्स एक्टिव कमांड। तो 40 ग्राम का हिसाब से आप ले लेना, उधर में तो वेट कर लेना कितना जा रहा है, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। तो और भी अच्छा करके मिक्स कर लेना। हर चीज़ डालने के बाद फ्रेंड आपको ऐसे मिक्स करना पड़ेगा। इसके बाद में आपको इधर में लेना पड़ेगा फ्रेंड थिकनर। थिकनर लेना 2 से 3 ग्राम तक आप ले सकते। थिकनर इसलिए ले आ जाते फ्रेंड, ये जो चीज़ है ये ज़रा गाढ़ा करने के लिए यूज़ किया जाते है थिकनर। तो जितना और भी ज़्यादा गाढ़ा कर सकते, अगर ज़्यादा गाढ़ा आपको लागे तो और भी आप इधर में नॉर्मल कर सकते थोड़ा पानी डाल के। तो देख सकते मेरा जो मेरा जो कितना अच्छा हो गया है, अभी बिल्कुल टॉयलेट क्लीनर का जैसा हो गया। टॉयलेट क्लीनर के कोई भी टॉयलेट क्लीनर से फ्रेंड कई गुना अच्छा इधर में आपको क्लीन करके मैं आपको बता रहा हूँ, मैं मेरा फॉलोअर में कर रहा हूँ, और ये कितना अच्छा क्लीन हो जाएगा आप भी देख सकते। तो फ्रेंड ये तो मेरे को यह हिसाब था थोड़ा 1 लीटर बनाने का। तो अगर आप 10 लीटर बना रहे, फिर 100 लीटर बनाएगा, तो वो हिसाब से यही मैं जो हिसाब बताया हिसाब से आपको डालना पड़ेगा। तो फ्रेंड आप देख लिया ये टॉयलेट क्लीनर बनाने में आपको क्या क्या सामान लगेगा। तो अभी बताते आप ये जो सामान है आपको मिलेगा कहाँ से। एक तो आप अमेजोन से आसानी से खरीद सकते, और फिर आपका साइड में आपका घर के पास में कोई थोड़ा बड़ा छोटा बड़ा बाजार है उसमें भी आपको ये चीज मिल जाएगा। दूसरा बात आते फ्रेंड वो प्रोडक्ट डालने के लिए, टॉयलेट क्लीनर डालने के लिए जो डब्बा का जरूरत पड़ती है वो कहाँ पे मिलेगा। तो फ्रेंड डब्बा भी आपको आसानी से मिल जाते हैं, जैसे कि बोला जाए आप अमेजोन से भी खरीद सकते हैं, और बाजार में कहाँ पे भी डब्बा का दुकान देखे उधर जाके भी आप जैसे डब्बा जरूरत है आपको, जैसे डब्बा में आप डालना चाहते हैं, 1 पाव का, 0.5 लीटर का, फिर 1 लीटर का, 2 लीटर का, 5 लीटर का, आप जैसे डब्बा ऑर्डर करना चाहोगे उसके पास जाकर आप ऑर्डर कर सकते हैं, आप वेरायटी भी चूज कर सकते हैं। अभी बात आते फ्रेंड दूसरा नंबर पे मैं जो बताया था ब्रांडिंग करने। तो फ्रेंड कोई भी चीज अगर आप बाजार में शुरू करोगे तो ब्रांडिंग करने का जरूरत पड़ती है। जैसे आपको अगर बताओ अभी टॉयलेट क्लीनर बाजार में जो ज्यादा चल रहा है फ्रेंड, आपको पता ही होगा हार्पिक,
जो क्या एक ब्रांड बन गया है। जैसे बाजार में जाके कोई नहीं बोलते मेरे को टॉयलेट क्लीनर दे दो, क्या बोलते जाके मेरे को हार्पिक दे दो। तो फ्रेंड इसलिए आपको ब्रांडिंग करने का जरूरत है। जैसे पहले पहले आप अगर ब्रांडिंग करने लग जाओगे, ब्रांडिंग तो करना ही पड़ेगा, आपका कंपनी का सिर्स हार्पिक का नाम पे नहीं चला सकते, तो आपको पुलिस केस हो जाएगा। तो आपका खुद का नाम का ब्रांडिंग कर सकते, आपका खुद का नाम फिर दूसरा कोई नाम देके ब्रांडिंग कर लेना, करने का बाद बाजार में छोड़ना। तो इसको ये फायदा होगा फ्रेंड, पहले पहले हो सकते थोड़ा टाइम लगे, लेकिन एक बार ब्रांडिंग हो जाए तो आपका सामान ऐसे ही बिकेगा, आपका सामान नाम से ही बिकेगा। कोई नहीं बोलेगा जो मेरे को टॉयलेट क्लीनर दो, आपका ब्रांड का नाम से बुलाएगा जो मेरे को ये सामान दे दो। तो फ्रेंड ये तो हो गया ब्रांडिंग का बात। तो आपका जो सील आते, जो मार्जिन आते, तो मार्जिन भी आपको मिल जाएगा साइड में कोई भी दुकान में जहाँ पे पोस्टर सफाते वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। तो साइड में आप लगा सकते हैं आपको जो ब्रांड का नेम हो। अभी बात आते फ्रेंड सेल कैसे करना है। फ्रेंड सेल करना भी बहुत ही आसान है, आपको तीन तरीका बता रहा हूँ। एक तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाकर बेच सकते हैं, होलसेलर के पास जाकर बेच सकते हैं, फिर दुकानदार के पास जाकर भी आप बेच सकते हैं। आप अगर आसपास में, मैं ऐसे कोई डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर नहीं दे सकता आपको, क्योंकि आप कहाँ पे बैठ के मेरा वीडियो देख रहे हो मेरे को नहीं पता। तो मान लीजिए आप दिल्ली में बैठ के मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं एमपी का नंबर दूंगा तो आपको कोई काम पे नहीं आने वाला है। तो फ्रेंड वो दुकान दुकान में जो सामान देखे जाते उसका पास से भी जानकारी लोगे तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर मिल जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अगर कॉन्टेक्ट कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं कर सकते फिर होलसेलर के पास, फिर दुकान दुकान जाके भी कर सकते। लेकिन आप अगर ज्यादा इनकम करना चाहते हैं, बिजनेस में आप खड़ा होना चाहते तो डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढना है ना, क्योंकि लाखों रुपया का सामान भी एक साथ में बेच सकते हैं। अभी बताते फ्रेंड सेल कैसे करना है। मान लीजिए आपको ये सामान में 30-35 रुपया मैन्युफैक्चर में खर्चा हो रहा है, दूसरा कोई भी कंपनी कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर को वही सामान बिक रहा है, मान लीजिए 70 रुपए में बिक रहा है, एक एक लीटर 70 रुपया में डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहा है। तो आप पहले पहले अगर स्टार्ट कर रहे हो आपका कंपनी को, तो 70 रुपया के जगह पे 60 रुपया देना। तो अगर 60 रुपया 10 रुपया हर प्रोडक्ट में अगर डिस्ट्रीब्यूटर को फायदा हो जाए तो कोई भी सामान सेल कर देते। तो इसलिए आप अगर नया कंपनी है तो थोड़ा बहुत मार्जिन जो है वही रखना, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर को थोड़ा बहुत फायदा कर दोगे, होलसेलर को थोड़ा बहुत फायदा कर दोगे, फिर दुकानदार को थोड़ा बहुत फायदा हो जाएगा, तो आप कोई भी कंपनी बहुत ही आसानी से चला सकते हैं। अभी आखिरी बात आते फ्रेंड, इससे आप कितना कमाई कर सकते हैं। फ्रेंड कमाई कितना कर सकते ये तो पूरा का पूरा आपके ऊपर डिपेंड करते। जैसे कि मैं बता दिया, लेटर बनाने के लिए आपको 30-35 रुपया खर्चा हो जाएगा, और फिर भी आपको 10 रुपया मार्जिन कम लेने के लिए बोल रहा हूँ। मार्जिन आपको 140 रुपया रखना है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर को देना है सिर्फ 60 रुपये में। तो आपको फायदा कितना हो रहा है, 30 रुपया, मतलब एक लीटर में आपको फायदा होगा 30 रुपया, 10 लीटर में 300 रुपया, 100 लीटर में आपको 3000 रुपया, और 1000 लीटर में। तो फ्रेंड इसलिए आप जितना मैन्युफैक्चर कर पाओगे उतना ही आपको ज्यादा फायदा होने वाला है। और इसमें तो फ्रेंड बहुत ही आसान है, आप देख लिया कि इतना आसानी से आप बना सकते। पहले पहले अगर शुरू कर दे तो एक बार टेस्टिंग के लिए एक लीटर से ही टेस्ट कर लेना, उसके बाद में आप ड्राम एक साथ में बना सकते। बनाने में तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, पैकिंग करने में भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप महीने में कितना कमा सकते हैं। तो फ्रेंड आप जरूर शुरू करना, और मेरे को जरूर कमेंट करना जो इसके लिए, अगर कोई भी जानकारी रहना बाकी रह गया तो जरूर मेरे कमेंट करना। और फिर भी ये बिजनेस अगर आपको पसंद नहीं आया तो अगली कोई भी बिजनेस के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को दबा के रखना, क्योंकि ये बिजनेस ना हो फिर आने वाला जो बिजनेस के बारे में आपको बताऊंगा हो सके वो बिजनेस में आपको इंटरेस्ट हो और वो बिजनेस आप चालू कर दोगे। तो फ्रेंड तब तक के लिए अच्छा रहना, नमस्कार।